एडमिशन को सिक्योर बना सकते हैं फुली तरीकेकार आपको इसी वीडियो के अंदर बताया जाने वाला है। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, इसको लाजमी ज्वाइन कर लें। इसके अंदर डेली बेसिस पे आपको जॉब्स अपडेट, पास पेपर, गेस्ट पेपर, यूनिवर्सिटीज एडमिशन, स्कॉलरशिप, हर तरह की अपडेट्स इसके अंदर शेयर की जाती है ताकि आपको घर बैठकर आसानी से मिल सके। इसके बाद आज हम बात करते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट की। एडवर्टाइजमेंट के अंदर देख सकते हैं टू अप्लाई ऑनलाइन प्रोस्पेक्ट एंड द अदर अपडेट इंफॉर्मेशन प्लीज विजिट www.ist.edu.pk, जिसको बोलते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स की बात करते हैं तो यहाँ पे ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए एरोस्पेस इंजीनियरिंग, एवियोनिक्स इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड स्पेस साइंस के प्रोग्राम्स ओपन कर दिए गए हैं। ग्रेजुएट प्रोग्राम्स की बात करते हैं तो ग्रेजुएट के अंदर एमएस के अंदर भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंस साइंस एंड कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स के प्रोग्राम्स जारी कर दिए गए हैं। पीएचडी प्रोग्राम्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, मटेरियल एंड मैथमेटिक्स के प्रोग्राम्स यहाँ पे जारी कर दिए गए हैं और लास्ट डेट इसकी 30 जून 2024 इसकी एप्लीकेशन की लास्ट डेट है। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस इसका एडमिशन का होगा। इसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि मेन वेबसाइट के ऊपर ist.edu.pk की वेबसाइट के ऊपर तो यहाँ पे हम पहुंच चुके हैं, तो इसका फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। फीस स्ट्रक्चर देखने के लिए सबसे पहले इसका एडमिशन फीस, ट्यूशन फीस, इनरोलमेंट फीस, लाइब्रेरी फीस और टोटल टाइम ऑफ द फीस फॉर द लोकल स्टूडेंट्स के लिए 49,000 यहाँ पे बताई गई है, इनटेक जो कि 25,000 यहाँ पे बताई गई है। इसी तरह से पर सेमेस्टर के लिए इंचार्ज के लिए यहाँ पर सेमेस्टर की फीस भी आप लोग देख सकते हैं और टोटल पर सेमेस्टर की फीस 1,28,790 रुपये इसकी फीस बताई जा रही है। ऑप्टिकल चार्जेस पर सेमेस्टर जो कि अदर चार्जेस होंगे यहाँ पे आप लोगों को बताए जा चुके हैं और लोकल फीस फॉर दी फीस स्ट्रक्चर भी आप लोग देख सकते हैं, इनटेक भी आप लोग फीस स्ट्रक्चर भी इसका देख सकते हैं। इसके अलावा ये लिंक्स आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन के नीचे प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पे अगर हम कंप्यूटर साइंस की बात करते हैं तो कंप्यूटर साइंस को क्लिक करेंगे तो कंप्यूटर साइंस की फीस हमारे पास आ जाएगी बीएस एमएस एमफिल की, और इसी तरह से ये लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे प्रोवाइड किया जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सिंपल आपने जीमेल लगानी है, जीमेल लगा के यहाँ पे अपना पासवर्ड लगाना है, उसके बाद लॉगिन कर लेना है। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, फर्स्ट टाइम रजिस्टर्ड हो रहे हैं, तो सबसे पहले आपने क्रिएट एन अकाउंट ist.admission के ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे अपना एडमिशन नेम लिखना है और फुल नेम लिखना है, यहाँ पे फादर नेम, यहाँ पे अपनी जीमेल आईडी, यहाँ पे उसी आईडी को दोबारा से कंफर्म कर देना है और यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर, यहाँ पे अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर लिखना है, यहाँ पे अपना पासवर्ड लिखना है, उसी पासवर्ड को अपने दोबारा से कन्फर्म करना है, यहाँ पे नेशनैलिटी पाकिस्तान जो भी है वो आपने लिखना है, इंटरमीडिएट क्वालिफिकेशन जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो आपने सिलेक्ट कर लेनी है, और हाउ डिड यू अबाउट कहाँ से पता चला है आपको, आप पेरेंट्स वगैरह कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आई हैव द रीड ऑफ इंस्ट्रक्शन, इसको क्लिक करके क्रिएट एंड अकाउंट के ऊपर जो है क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद आपने लॉगिन के ऊपर फौरन पहुंच जाना है। लॉगिन करने के लिए यहाँ पे अपनी मेल लगाएंगे, यहाँ पे अपना पासवर्ड लगाएंगे, उसके बाद लॉगिन कर लेंगे। इसके बाद 3 से 4 स्टेप के ऊपर यूनिवर्सिटी जो है वो मुश्किल होती है। सबसे पहले अपनी प्रोफाइल, एकेडमिक डिटेल, चूज प्रोग्राम्स, लास्ट के ऊपर एप्लीकेशन को सबमिट करते हुए इसका चालान जो है वो डाउनलोड कर देना है।